उत्तर प्रदेश के योगी राज में पुलिस और अपराधियों का अद्भुत साठगांठ देखने को मिल रहा है। जिन वर्दीधारियों के कंधे पर प्रदेश से अपराध और अपराधियों को खत्म करने की जिम्मेदारी है, योगी की पुलिस उन्हीं अपराधियों के हाथों सम्मानित होकर गौरवान्वित महसूस कर रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अपराधियों के हौसले कुछ इस प्रकार से बुलंद है कि थाने में पुलिस कर्मियों का अपराधी ही सम्मान करते नजर आ रहे हैं। 25,000 का इनामी बदमाश को भगाने वाला पूर्व भाजपा नेता नारायण सिंह भदौरिया ने डीसीपी के सामने एसीपी का सम्मान किया और हत्या के मामले में जमानत पर बाहर चल रहे अपराधी मोनू पांडे भी उनके साथ पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़े रहने के साथ साथ पुलिस कर्मियों को सम्मानित करता नजर आया। कुछ महीने पहले जमानत पर बाहर आए पूर्व बीजेपी जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया और सजायाफ्ता मोनू पांडे लाओ लश्कर के साथ थाने पहुंचे। वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस कार्यक्रम में दोनों अपराधियों ने डीसीपी रवीना त्यागी और एसीपी आलोक सिंह को कैसे सम्मान दिया है। सम्मान समारोह में नारायण भदौरिया ने एसीपी बाबू पुरवा को सम्मानित किया तो मोनू पांडे ने आईपीएस व डीसीपी रवीना त्यागी को गुलदस्ता देकर नमस्कार कर उनसे आशीर्वाद लिया। इस दौरान मीडिया के कैमरे जैसे ही पुलिस और अपराधियों की दोस्ती पर पड़े तो सभी मुंह छिपाते और लुकते बचते दिखने लगे। सम्मान देने वाले दोनों आरोपित भी भाग खड़े हुए, लेकिन इस दौरान वो मीडिया के कैमरे में कैद हो चुके थे। फिर अपराधियों और पुलिस के गठजोड़ की वीडियो और तमाम तस्वीरें बाहर आते ही वायरल होने लगी, सोशल मीडिया पर जमकर शेयर की जाने लगी, जिसके बाद से पुलिस की जमकर किरकिरी होनी शुरू हो गई है। लोगों ने टैग करके मखौल बनाना शुरू कर दिया है। आप भी देखिए योगी राज के शासन, प्रशासन और अपराधियों की ये तिगड़ी। हिंदुस्तान के व्यापारी समाज का सम्मान होता है दुशाला। प्लग ले लीजिए प्लीज, एक कोई भी किसी प्रकार का भय प्रकार जी। सभी लोग बड़े भाई आलोक सिंह का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। क्षेत्राधिकारी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कर रहे हैं सभी लोग। तो उत्तर प्रदेश की तस्वीरें और हालात बिल्कुल साफ है। अब प्रदेश में किसका और कौन सा राज कायम है वो आप इस तिगड़ी को देख करके समझ सकते हैं। बीजेपी ने भले ही नारायण भदौरिया को पार्टी से बेदखल कर दिया हो, लेकिन अभी भी पार्टी में उसका जलवा कम नहीं हुआ। वो लगातार भाजपा में सक्रिय है और इतना ही नहीं, इसकी तस्वीरें भी उसके फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसने खुद ही वायरल की है। भाजपा से निष्कासित नारायण सिंह भदौरिया पहले भी कई बार विवादों में रह चुका है, लेकिन पुलिस से साठगांठ और राजनीतिक रसूख के चलते पुलिस हाथ डालने से कतराती है। योगी के नेता के आगे खाकी नतमस्तक नजर आती है, क्योंकि नारायण सिंह भदौरिया बीजेपी के काफी चहेते नेता माने जाते थे, जिन्हें बीजेपी बार बार गुनाहों पर बख्शते नजर आती थी। ठीक सेंगर की तरह, जैसे कुलदीप सिंह सेंगर जैसे अपराधी को बीजेपी शुरुआत में अपराधी मानने से इनकार कर रही थी, अपराधी होने के बाद भी बाहर नहीं निकाल पा रही थी, बाद में हर तरफ से थूथू होने के बाद आपने देखा कि सेंगर को बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन देखिए कि अब भी दिल में कहीं भी सेंगर का जो प्रेम है, सेंगर के प्रति जो प्रेम है, वो बीजेपी का समय समय पर छलक ही जाता है। ठीक वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल होने के बाद नारायण सिंह भदौरिया को भाजपा ने आखिरकार बाहर का रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन उसके बाद भी नारायण सिंह भदौरिया और उसके गुर्गे बीजेपी में सक्रिय है। तो अपराधियों द्वारा पुलिस के सम्मान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी जमकर वायरल है, जो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में खाकी की किरकिरी करवा रहा है। साथ ही योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े भाषणों और दावों पर भी कई सवाल उठा रहा है। अपराधियों से बीजेपी के नेताओं और पुलिस की नजदीकियों को देखते हुए इस बात से कतई परहेज नहीं किया जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी के प्रयास और सभी भाषण पूरी तरीके से दिखावटी और खोखले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।